ब्रह्मचार्य फॉर बियर्ड ग्रोथ। अगर आपने ब्रह्मचार्य का पालन कर लिया तो आपकी दाढ़ी आने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब आपको कैसे क्या करना पड़ेगा जिससे आपको दाढ़ी आ जाए, एक पैसा आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है और दाढ़ी आपकी ऐसी आएगी कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, तो इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा जरूर देखना पड़ेगा ताकि आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ सके। हाय गाइस, आई एम अनिल, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप में से ऐसा कोई भी नहीं बचा होगा जिसने कभी दाढ़ी की प्रॉब्लम फेस नहीं की होगी, चाहे वो 1% हो चाहे 100% हो। लेकिन अगर आप भी दाढ़ी की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आपकी भी दाढ़ी आने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही, प्रॉपर बियर्ड ग्रोथ नहीं है जैसे कि आप मेरी देख रहे हो, अगर आप इस टाइप की दाढ़ी उगाना चाहते हो तो मैं आपको एक ऐसा नॉलेज देने वाला हूँ जिसको आप सीख के आपकी लाइफ में ऐसा कुछ कर पाओगे कि आपकी बियर्ड की प्रॉब्लम्स आपको कभी भी सामने नहीं आएगी। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ब्रह्मचार्य फॉर बियर्ड ग्रोथ। ब्रह्मचार्य क्या होता है पहले हम उस बारे में बात करेंगे। आपने जो संत महात्माओं को देखा होगा जिनकी दाढ़ी और बाल काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, सेक्सुअल लाइफ में एक्टिव नहीं होते, या फिर वो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ अपना वीर नाश नहीं करते जिसकी वजह से ऐसी कुछ प्रॉब्लम सामने आती है। तो इसमें आपको क्या समझ में आया, अगर आप थोड़ा बहुत माइंड लगा चुके हो तो आपको इस बात में समझ में आ गया होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। आप में से ऐसा कोई भी नहीं है जो मैस्टरबेट ना करता हो, या फिर जिसको नाइट में ऐसा कुछ भी नहीं निकलता। अगर आपके भी नाइट में वीर नाश हो रहा है ऑटोमेटिक, तो भाई आपको ये लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है जिससे आपकी बॉडी ग्रोथ नहीं होगी, आपकी हेयर्स जो है वो ठीक तरह से ग्रोथ नहीं होंगे, आपकी दाढ़ी तो आएगी ही नहीं। आप चाहे कितना भी जिम जाएं, कितना भी सप्लीमेंट्स खाएं, कुछ भी खाएं, कितने भी पैसे लगाएं, लेकिन आपकी बॉडी नहीं बढ़ना और उल्टे आप सूखते चले जाओगे। आपके चीक्स बैठे हुए हैं, आपकी एज कम एज में ज़्यादा दिख रही है, या फिर आपका फेस ऑटोमेटिक डार्क हो रहा है, सांवला हो रहा है, तो आप जरूर ये मैस्टरबेट टाइप का कुछ भी करते हो, कैसे भी करते हो, लेकिन आप इसमें इन्वॉल्व हो। तो आप मैं आपको बताने वाला हूँ कि दाढ़ी उगाने के लिए ब्रह्मचार्य का पालन कैसे किया जाता है। ब्रह्मचार्य का पालन करना मतलब आपको आपका वीर नाश, आपको नाइट फेल रोकना, या फिर आपको मैस्टरबेशन, इन सब से आपको कोसों दूर जाना है। कम से कम 1 साल के लिए आप अगर इसको बंद कर दोगे तो भाई आपकी बॉडी में इतने चेंजेस आएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आपकी बॉडी ऑटोमेटिक बढ़ती चली जाएगी, आपका जो भी बॉडी वेट है बेहतरीन हो जाएगा, आपकी जो बॉडी है अंदर से ठोस होती चली जाएगी, और जो आपकी बियर्ड है ऑटोमेटिक काली घनी मोटी हो जाएगी। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आपकी बियर्ड बहुत तेज ग्रोथ होगी और आपकी स्किन पर एक अलग तरह का ग्लो आ जाएगा। आपका माइंडसेट काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा, आपका नॉलेज भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप फालतू काम में नॉलेज दे रहे हो। आप जब 1 साल तक कुछ भी नहीं करोगे, ब्रह्मचार्य का पालन करोगे, तो आप ऑटोमेटिक सही सोचने लग जाओगे भाई क्या गलत है क्या सही है, आप लोगों को एडवाइस देने लग जाओगे। आपकी लाइफ में 1 साल में इतना चेंज हो जाओगे जो कि भाई आप सोच भी नहीं सकते हो। आपके अंदर मैच्योरिटी आ जाएगी भाई, आपको क्या सही है क्या गलत है, क्या काम करना चाहिए क्या काम नहीं करना चाहिए, अगर ओनली आप ब्रह्मचार्य का पालन कर लोगे तो। लेकिन इसको पालन करना भाई बड़ा मुश्किल काम होता है। मेरे पास बहुत सारी कमेंट्स आती है कि सर मैस्टरबेट को कैसे रोके जाने, जो आप हिलाते हो उसको कैसे कंट्रोल करें, तो भाई इसको कंट्रोल करने का ओनली एक ही तरीका है, आप डिसीजन लें, आप मेडिटेशन करें, आप ध्यान करें कि भाई मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, और जो आप करते हो उसको आप गंदे काम में ले जाए, क्योंकि गंदे काम लोग ज़्यादा जल्दी छोड़ देते हैं। आप उसको जितना ज़्यादा सेम फील करोगे भाई मुझे ये काम करना ही नहीं है ये काम करना ही नहीं, तो आप ऑटोमेटिक उसको छोड़ते चले जाओ। और आप इसको छोड़ने के साथ साथ आप कुछ ऐसा काम करें जिसमें कि आप बिजी हो जाए, और जिसको आपको करना ही करना चाहिए, आप बॉडी पे काम करना चालू कर दे, मुझे वर्कआउट करना है कैसे भी करना है, बट मुझे मेरी बॉडी ग्रोथ करनी है, मुझे स्टडी करनी है, मुझे वो काम करना है, या फिर मुझे वो गोल अचीव करना है। आपका एक फोकस गोल होना चाहिए जिसके कि आप पीछे भागते चले जाओ, तो आप ये काम ऑटोमेटिक छोड़ दोगे। इसके लिए आप डॉक्टर के पास जाओगे, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इलाज नहीं, डॉक्टर आपसे ये बोलेगा भाई आप करते रहो, लेकिन आपके अंदर की प्रॉब्लम्स आपको खुद को पता है भाई मैं ये काम करने से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा आ रही है। यानी जो काम मैस्टरबेट जो लोग करते हैं उसको कहीं से ना कहीं से परेशानी आई जाती है, और ऑटोमेटिक आप उसको देख कर बता दोगे भाई तू इतना ज़्यादा कमज़ोर क्यों है और तेरे ये प्रॉब्लम्स क्यों, यानी तू हिलाता जा रहा है। तो इस बात को आप ठीक से समझिए, आप इसको मोटिवेशन के तौर पर ये वीडियो को ले सकते हैं, और बीएड तो आप ग्रोथ इससे होगी, आपकी लाइफ इससे 1000% चेंज हो जाएगी, ये मैंने खुद चेंज किया है। और एक इंसान कभी ना कभी लाइफ में मैस्टरबेशन जरूर करता है, हिलाता जरूर है, तो भाई आपको सोचना है कि आपको लाइफ में कुछ करना है, या फिर वो एक काम करके खुश होना है, 4-5 मिनट की खुशी होती है, इससे ज़्यादा कुछ भी
नहीं होती। तो आपको ये वीडियो फॉलो करना है और इस वीडियो को लाइक करके जाना, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, प्रॉपर मैं आपको आंसर दूंगा। आइए भी वीडियो आपको अच्छा लगा उस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू अगेन।